गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. आज हम पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो चैप्टर है. आप इसे अपनी बुक में मार्क कर सकते हो. तो देखते हैं कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो फॉर्म हो सकते हैं. तो सबसे पहले देखते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी जिसने फॉर्म किया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हमारा, उसको किसने प्रपोज किया था कि इसको बनाना चाहिए. सो द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली पुट फॉरवर्ड बाय एम एन रॉय, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन 1934. और उसके बाद जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ से जो जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने कहा था कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाएंगे. और उसके बाद देखते हैं कि अगस्त ऑफर क्या है, यानी जो अगस्त ऑफर है वो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने 1940 में दिया था कि द डिमांड फॉर इंडियन नेशनल कांग्रेस टू फ्रेम ए कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्टेड बाय गवर्नमेंट इज नोन एज अगस्त ऑफर. यानी जो इंडियंस ने कहा था कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाएंगे और उस डिमांड को एक्सेप्ट किया था ब्रिटिश ने, उसको कहा जाता है अगस्त ऑफर. और ये कब आया था, 1940 में. उसके बाद इन 1942 यानी जो क्रिप्स मिशन है ये भी आ सकता है उसमें, जो प्रीलिम्स है हमारा. तो देखते हैं कि क्रिप्स मिशन कब आया था भारत में, यानी ये भी कॉन्स्टिट्यूशन जो था हमारा वो बनाने के लिए, हम ड्राफ्ट डिस्कस करने के लिए आया था भारत में. तो ये आया था 1942 में, बट इसको मुस्लिम लीग ने अप्रूवल नहीं दिया था, एक्सेप्ट नहीं किया था, तो ये फेल हो गया था. बाद ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उन्होंने कैबिनेट मिशन भेजा था, वो आया था 1946 में. यानी ये आ सकता है क्वेश्चन जो पहले भी आया है कि हाँ इनको ऑर्डर में लगाओ कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो कि पहले क्रिप्स मिशन आया, कैबिनेट मिशन आया, तो सबसे बाद में कैबिनेट मिशन आया था. और जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी वो बनी थी नवंबर 1946 को, और इस ये बनी थी कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर. आगे है कि द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हेल्ड इज फर्स्ट मीटिंग ऑन दिसंबर 9, 1946. यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसने अपनी फर्स्ट मीटिंग जो की थी 9 दिसंबर को की थी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके बाद सब बहुत सारी जितनी पर्सनैलिटी थी इंडिया ने सब ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, सिवाय दो पर्सनैलिटीज़ के, और वो हैं महात्मा गांधी और एम एन जिन्ना. इसके बाद देखते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसके टेम्प्रेरी प्रेजिडेंट चुना गया था डॉक्टर सचिंद्रनाथ सिन्हा को. लेटर ऑन दिसंबर 11, 1946 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट, उन्हें प्रेसिडेंट चुना गया, और जो एस सी मुखर्जी थे उन्हें वाइस प्रेसिडेंट चुना गया, और जो सर बी एन राव थे उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइज़र के तौर पर चुना गया था. और उसके बाद देखते हैं कि जो माउंट बेटन प्लान था वो क्या है. तो सबसे पहले देखते हैं जो माउंट बेटन प्लान था वो उन्होंने जारी किया था June 3, 1947 को, और ये इसलिए था कि हमारी कंट्री उसका पार्टीशन हो. कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हमारी बनाई थी उसने क्या क्या इसके बाद फंक्शंस किए बनने के बाद. इट रेटिफाइड द इंडियन मेंबरशिप टू द कॉमनवेल्थ इन May 1949. यानी इसने जो इंडिया है उसको कॉमनवेल्थ का मेंबर बनाया था सबसे पहले, ये काम हुआ था May 1949 में. उसके बाद इट अडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग ऑन July 22, 1947. तो ये दोनों जो हैं आपको फिगर अलग से याद करने पड़ेंगे कि नेशनल फ्लैग कब बना, जो अप्रूव मिला उसको, और जो ये है कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप कब मिली. तो सबसे पहले अगर ऑर्डर में लगाने को आ जाए तो सबसे पहले हमारा नेशनल फ्लैग बना था July 22, 1947 को. उसके बाद क्या आया, जो हमारे कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप मिली इंडिया को 1949 में. उसके बाद देखते हैं अडॉप्टेड द नेशनल एंथम ऑन January 24, 1950. यानी इसके बाद 24 जनवरी को 1950 को नेशनल एंथम मिला जो हमारा अडॉप्ट किया गया. तो इस जो 24 जनवरी 1950 है इसमें ही बहुत सारी चीज़ें हुई हैं कि हाँ 26 जनवरी को हमें शपथ दिलानी थी, अडॉप्ट किया था हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको इनेक्ट किया था. तो उससे पहले जो जो होना था वो सब हो गया था इसमें. तो देखते हैं जो नेशनल सॉन्ग है वो भी 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया हमने, और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं उन्हें फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 24 जनवरी 1950 को ही चुना गया था. जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वो तो बन गई, लेकिन उसके बनने के बाद जो इसमें काम किया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का उसमें कौन कौन सी कमिटीज इंपॉर्टेंट थी ये भी क्वेश्चन आ सकता है. तो यूनियन पावर कमिटी, यानी जो पावर में है इसको आप लर्न कर सकते हो कि पावर में उस वक्त कौन थे, जवाहरलाल नेहरू. तो पावर वाली जो भी कमिटी होगी उसके जो चेयरमैन होंगे वो जवाहरलाल नेहरू होंगे. यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी जवाहरलाल नेहरू इसके भी, और जो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी थी आप सभी को पता है कि जो इतनी सारी रियासतें थी उसको सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उन्होंने किया था कि
जोड़ने का काम, सबको इकट्ठा करने का। तो ये सारी जितनी प्रोविंशियल है ये सरदार पटेल थे इनके चेयरमैन। उसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी का तो सबको पता ही है कि B.R. अम्बेडकर थे। और उसके बाद एडवाइजरी कमेटी और फंडामेंटल राइट्स जो माइनॉरिटी और उसके थे तो भी सरदार पटेल थे। तो आपको ये कुछ कमिटीज़ लर्न करनी पड़ेंगी। स्टेट कमिटीज़ फॉर नेगोशिएटिंग विद स्टेट्स, यानी जवाहरलाल नेहरू थे इसके भी। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है स्टीयरिंग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो ये सब आपको लर्न करना पड़ेगा। उसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी सबको पता है कि इसके जो चेयरमैन थे वो B.R. अम्बेडकर थे। उनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, और उन्हीं को मॉडर्न मनु भी कहा जाता है। तो ये फैक्ट्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी है, हमने देख लिया कि उसके चेयरमैन B.R. अम्बेडकर थे। और इसमें हमें सबसे ज़्यादा याद रखने की ये चीज़ें हैं कि इसको लर्न कैसे किया जाए। इसको आप ट्रिक से लर्न कर सकते हो, यानी DNA ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स। तो D इसमें 2 बार है, N भी 2 बार है। तो इसको देखते हैं, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर D से, फिर डॉक्टर K.M. मुंशी D से, उसके बाद गोपाला स्वामी आयनगर N से, N माधवन राव N से, उसके बाद अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर A से लर्न कर सकते हो इसको, और सैयद मोहम्मद सदुल्ला S से, और T.T. कृष्णामचारी, यानी ये सारे इसके मेंबर थे। तो ये आपको लर्निंग करना पड़ेगा। उसके बाद जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया जो 26 जनवरी 1949 की डेट है इसमें, तो ये पूछ सकते हैं कि क्या ये जो है प्रीएम्बल में मेंशन है, तो ये वो डेट है जो प्रीएम्बल में मेंशन है। उसके बाद जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था तो उसमें 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल थे, तो अब इसमें 12 शेड्यूल है। इसके बाद कि जब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो उसके बाद प्रीएम्बल को इनैक्ट किया गया। तो यही कुछ फैक्ट्स हैं जो हमें लर्न करने थे इसमें। थैंक यू।